हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, आपके फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 2.4, यानी कि सेकंड यूनिट का आपका फोर्थ टॉपिक एनर्जी एंड इट्स यूनिट, यानी कि ऊर्जा और इसकी विमा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ऊर्जा के प्रकार क्या क्या होंगे। ठीक है, उसमें से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है वो आज इसी वीडियो में हम पढ़ लेंगे, और इसके आगे जो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा है वो हम नेक्स्ट जो इसका वीडियो रहेगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो आपकी अप्लाइड फिजिक्स है इसके नए सिलेबस में ये टॉपिक कुछ ऐड हुए हैं जिनके हम वीडियो जो है वो डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ऊर्जा और इसकी विमा। तो सबसे पहले हम ऊर्जा से, अगर हम डेली जो अपन वर्ड यूज करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, इसका मतलब क्या है? तो नॉर्मली हम जैसे खेल कूद खेलते हैं या फिर घर का कोई काम कर रहे हैं तो पर हम कार्य नहीं कर पाते तो हम क्या कहते हैं, भाई तुम्हें एनर्जी नहीं है क्या, हैं तुमसे दौड़ा नहीं जा रहा क्या, तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है क्या, यानी कि ऊर्जा नहीं है क्या? तो अल्टीमेटली ऊर्जा का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वो क्या होता होगा? अगर हम डेली टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग देखें तो ऊर्जा का मतलब क्या होता होगा? कि ऊर्जा का मतलब है कि आप कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? कि अगर आप वर्क कर सकते हैं तो इसका मतलब आप में एनर्जी है। ठीक है, और अगर आप कार्य नहीं कर पा रहे, वर्क नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप में एनर्जी नहीं है, यही मतलब लगाते हैं अपन। ठीक है, उस ठीक फिजिक्स में भी वही मतलब ऊर्जा का है जो हमारी डेली टू डे लाइफ में हम यूज़ लेते हैं, बस उसको थोड़ा सा जो फॉर्म है उसकी लिखने का जो तरीका है बस वो हम किताबी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बाकी लगभग सेम सा ही है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ऊर्जा का जो अपन मतलब होगा यहाँ पर वो ये होगा कि जो कार्य करने की क्षमता है वही क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता है वही क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। अब कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा, तो इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा और कार्य दोनों क्या इक्विवेलेंट है, ठीक है, तुल्य है, और ऊर्जा और कार्य क्या है, तुल्य है। तो तुल्य है इसका मतलब क्या हुआ कि जो विमा कार्य की होती है वही किसकी होती है, ऊर्जा की विमा होती है। और कार्य की विमा क्या होती है, हमने पीछे वाले वीडियो में देखा था, कार्य की विमा होती है जूल, तो इसका मतलब ऊर्जा की विमा भी क्या हो जाए, सॉरी मात्रा क्या हो जाएगा, ऊर्जा का जूल हो जाएगा। ठीक है, और इसी हिसाब से कार्य की जो विमा थी वो क्या होती है, कार्य की जो विमा होती है वो होती है हमारे पास कि जैसे वहाँ थी बल इनटू विस्थापन, तो विमा क्या हो जाएगी यहाँ पे अपने पास, बल इनटू विस्थापन, तो बल की विमा क्या होती है, एम वन एल वन टी माइनस टू इनटू विस्थापन कर देंगे तो एम वन एल वन पर एम वन एल टू और टी माइनस टू, यानी कि जो एल है वो एक और एल से मल्टीप्लाई हो जाता है और ये हो जाता है एम वन एल टू टी माइनस टू। ठीक है, तो ये अपनी विमा हो गई, और यूनिट यानी कि इसकी मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा इसका जूल। ठीक है, देखिए अब आगे, अब ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इसमें लिखा है कि किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति अथवा गति के कारण कार्य करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, वस्तु द्वारा कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अभी मैंने ये चीज़ बताई थी कि वस्तु या मतलब वस्तु का मतलब कोई भी हो सकता है, उसमें कोई भी लिविंग जो थिंग है हमारे पास, ठीक है, कोई भी यांत्रिक जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसमें हो सकती है, तो उस कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहेंगे अपन, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का मापन उस कार्य से किया जाता है जितना कि वह कर सकती है जबकि वह कार्य करने के योग्य न रह जाए। ठीक है, वही लाइन वापस आ गई। उसके बाद ऊर्जा कार्य के कुल परिमाण को बताती, ये बार 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 एक ही लाइन को रिपीट करे जा रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश करें कि अल्टीमेटली कार्य और ऊर्जा में कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक दूसरे के तुल्य है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के वही मात्रक होते हैं जो कार्य के होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल, कार्य का भी क्या होता है, जूल होता है। इसके साथ साथ कुछ अन्य मात्रक भी दे रखे हैं जिसमें किलोवाट घंटा, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलोवाट घंटा अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कैसे उसको निकालते हैं, जूल को कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोवाट घंटा में, इसका मतलब क्या है। ठीक है, किलोवाट घंटा को आप क्या कहते हो, यूनिट भी कहते हैं ना अपन, कि जैसे अपन घर में जब ऊर्जा यूज खर्च करते हैं तो अपन क्या कहते हैं, एक यूनिट हो गई, दो यूनिट खर्च कर दी लाइट, है ना, तो उसमें इसका मतलब क्या है, वो है किलोवाट
घंटा, उसी को अपन क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि जब भी आपको जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप जूल के अंदर क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसका भाग देंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹, यानी कि 19। ठीक है, 1.6 × 10⁻¹⁹ का भाग दे देंगे जूल में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा मात्रक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये किलो वोल्ट घंटा है, इसको कैसे मतलब जूल को कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए इसमें, कि नेक्स्ट जो अपनी स्लाइड रहेगी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। कई बार ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक यूनिट यानी कि किलो वोल्ट घंटा का मतलब क्या है, तो इसके सबसे पहले आप देखिए, एक किलो वोल्ट घंटा किसके बराबर, एक के डब्ल्यू एच लिखा ना मैंने, 1 kWh, इसका मतलब है किलो, डब्ल्यू का वोल्ट और एच का मतलब हॉर, हॉर मतलब घंटा। ठीक है ना, अब आप देखिए, तो सबसे पहले तो किलो के अंदर, किलो का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के अगर किलो लिखा है इसका मतलब है कि वो 10⁻³ कितना है, 3 है। ठीक है, जैसे 10⁻³ 6 है तो वो क्या होगा, मेगा। ठीक है, 10⁻³ 3 है तो इसका मतलब किलो, ये पता ना आपको। ठीक है, तो ये अपने पास किलो, इसका मतलब क्या है, 10⁻³ 3, तो 10⁻³ 3 इंटू वाट, यानी कि एक वाट जो शक्ति होती है अपनी वो, इंटू एक घंटा। तो कहने का मतलब है, अगर एक वाट का जो है, ठीक है, एक वाट का, या कह सकते हैं 1000 वाट, क्योंकि 10⁻³ 3 है ना, तो 1000 वाट का अगर कोई भी बल्ब या कोई भी मान लो यंत्र है, वो अगर एक घंटा चलता है तो वो कितनी एनर्जी वेस्ट करता है, कितनी एनर्जी खाता है, वो खाता है 1 kW। ठीक है, किसके बराबर होगी, 1 kW घंटा, यानी कि एक यूनिट के बराबर। जो आपके घर की एक यूनिट आती है ना बिजली के बिल में, वो एक यूनिट का मतलब है कि 1000 वोट का कोई बल्ब है, वो अगर एक घंटे चलता है तो उसकी खर्च की गई ऊर्जा, यानी कि उसमें आपके मीटर में कितना आएगा, वो एक यूनिट के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए आगे इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ जूल में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे जूल में कन्वर्ट करने के लिए, फिर से मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगा। ठीक है, फोर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड के अंदर। वाट क्या होता है, शक्ति होती है जूल बटा सेकेंड, तो इसको जूल बटा सेकेंड में लिखा, तो 1 J/s, इधर हुआ 3600 सेकेंड, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हुआ 36 × 10⁻¹ कितना हो गया, 5, और पॉइंटों में लिखेंगे तो 3.6 × 10⁻¹⁶। ठीक है, कितना हो गया, 3.6 × 10⁻¹⁶ जूल। तो यानी कि 1 kW घंटा में कितने जूल होते हैं, 3.6 × 10⁻⁶ जूल जो है वो होते हैं। ठीक है, आगे साथ में ये जो कैलकुलेशन है, छोटी सी कैलकुलेशन है, लेकिन ये आपके एग्जाम्पल के लिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जो है ध्यान रखें, इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी मैंने आपको बता ही दिया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसको अगर आप किस में कन्वर्ट करते हो, जूल में, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये तो थी ऊर्जा। अब मैकेनिकल जो एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा जिसे अपन कहते हैं, वो क्या होती है, उसमें मैक्सिमम दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है गतिज ऊर्जा का, दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा का। तो सबसे पहले आते हैं कि गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब, अल्टीमेटली हमें ये तो पता ही चल गया कि ऊर्जा का मतलब हमेशा कार्य से ही होता है। ठीक है, जो किया गया कार्य है वही क्या है, अपनी ऊर्जा है। तो किसी वस्तु को, जैसे सपोज करिए वाहन है, पत्थर है, जैसे पत्थर ऊपर से नीचे गिरता है, वाहन अपनी गति स्टार्ट करता है, ठीक है, जीरो से स्टार्ट करता है, किसी वेग तक पहुँचता है, तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, कुछ कार्य करना पड़ रहा है, और वो जो कार्य करते हैं, कौन सा कार्य है, किसी वस्तु को जो विराम वर्तमान स्थिति यानी कि उसकी विराम अवस्था सपोज कीजिए, तो विराम अवस्था से गति कराने के लिए, या गतिशील है तो उसको विराम करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वो कार्य क्या होता है, उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, चलो देखिए आगे क्या लिखा है, कि किसी वस्तु में गति के कारण जो निहित ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसके कारण, गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है वही क्या होती है, गतिज ऊर्जा, का नाम से ही पता है अपने को। ठीक है, जैसे गतिशील वाहन है, तो कोई गाड़ी है वो वी वेग से गति कर रही है, तो क्या होगा, उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, गिरते हुए पत्थर में विद्यमान, अगर अपन पत्थर को ऊपर ले जाके और छोड़ते धीरे धीरे क्या होता है, उसका वेग बढ़ता है, उसकी गति बढ़ती है, उसके अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हो गया कि गति, नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा के उदाहरण है, फिर गतिज ऊर्जा का माप
कार्य की उस मात्रा से करते हैं जो वह वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति से विराम अवस्था में आने तक करती है, क्या कार्य की वह मात्रा जो उस वस्तु को विराम अवस्था से गति तक लाने में करनी पड़ती है। तो दोनों मैंने चीज़ें बता दी आपको, ठीक है। यही वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट कि यदि गतिज ऊर्जा, तो ये तो चलो डेफिनेशन हो गई, उसको निकालेंगे कैसे, उसका वैल्यू क्या होगी। तो अगर कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है और वह वी वेग से गतिशील है, ठीक है, एम द्रव्यमान की वस्तु वी वेग से गतिशील है, तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। गतिज ऊर्जा को कैसे डिनोट करते हैं, के फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर से दी जाती है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब माना कि एम द्रव्यमान की स्थिर वस्तु, अब हम उसका फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं यहाँ पर ना, कि माना कि एम द्रव्यमान की कोई स्थिर वस्तु है और उस पर एक नियत बल है वो एफ आरोपित होता है, ठीक है, जिससे वस्तु द्वारा विस्थापन एस तय करने पर उसका वेग वी हो जाता है, तब गति का तृतीय नियम से, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक एम द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है, उस पर एक नियत बल एफ लगाते हैं, एफ लगाने पर वो दूरी एस तय करती है, एस दूरी तय करने के साथ ही उसमें वेग में कितना परिवर्तन हुआ, कि जब जैसी उसने एस दूरी तय करी उस बिंदु पर उसका वेग वी हो जाता है, तब गति का तृतीय नियम क्या करता है, क्योंकि तृतीय नियम लगाना पड़ेगा एस वी, ठीक है, इसमें रिलेशन कौन देता है, और ए अपने को दिया हुआ कैसे निकालेंगे, ए यानी कि त्वरण कैसे निकालेंगे, त्वरण होता है बल बटा द्रव्यमान से, ठीक है। तो गति का तीसरा नियम क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। और यहाँ पे u यानी कि प्रारंभिक वेग कितना है, क्योंकि हम इस जो विराम अवस्था से उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो u कितना हो गया इसमें, जीरो। तो अपनी इक्वेशन में क्या बन जाएगा, कि v स्क्वायर बराबर जीरो प्लस टू, अब a है ना, a यानी त्वरण, त्वरण की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, f बल बटा द्रव्यमान, तो बल बटा द्रव्यमान इंटू दूरी s, ठीक है। यहाँ से अब देखिए, तो यहाँ से f का मान कितना आ गया, F का मान आ गया हमारे पास कि एम वी स्क्वायर, इसको उस तरफ ले जाए तो एम वी स्क्वायर बाई टू एस, ये किस इक्वेशन से आ गया, इसी इक्वेशन से हमने F का मान फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। M डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 2s क्या है, F के मल्टीप्लाई में, तो वो किधर चले जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे, ठीक है। तो बल F द्वारा वस्तु को बल की दिशा में S दूरी विस्थापित करने में कार्य, अब S दूरी विस्थापित करने में, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने कहा था कि जो किया गया कार्य होता है वही क्या होती है, ऊर्जा के रूप में, या ऊर्जा और कार्य दोनों एक ही चीज़ होती है। तो हमने यहाँ पे बल निकाल लिया, बल से अपन क्या निकालेंगे, कार्य निकालेंगे। तो कार्य कैसे निकलता है, बल इंटू विस्थापन बराबर क्या होता है, कार्य, और विस्थापन कितना है, S है, तो क्या करेंगे, W बराबर क्या होगा, F इंटू S या F डॉट S, तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई टू एस इंटू एस, तो एस से एस हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है, इस एस से एस कैंसिल आउट, और बचेगा क्या, एम वी स्क्वायर बाई टू यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिछली स्लाइड में फॉर्मूला बताया था, किसी गतिशील वस्तु का जिसका द्रव्यमान m है और वेग v है, तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। तो वो किसका है, कार्य का फॉर्मूला, और कार्य गति ऊर्जा क्या हो गई, सेम ही चीज़ हो गई दोनों, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि क्या डेफिनेशन बन जाएगी, स्थिर वस्तु को बल द्वारा वेग v प्रदान करने में वस्तु पर किया गया यह कार्य ही उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में मापित होता है, यानी कि ये जो कार्य हमने किया है, बल लगाकर किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील बनाया है, वेग v तक पहुंचाया है, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगी, उसकी गतिज ऊर्जा, और ये कार्य ने जो बल, सॉरी बल ने जो कार्य किया है वही क्या होती है, इसी गतिज ऊर्जा के रूप में मापित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज जो ऊर्जा होती है, गति ऊर्जा का तो डायरेक्ट सब किसी भी आप बल क्षेत्र में चले जाइए, हमेशा फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो बल क्षेत्र के अनुसार उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे गुरुत्व स्थिति ऊर्जा होगी उसका अलग फॉर्मूला होगा, विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी उसका अलग फॉर्मूला होगा, ठीक है, चुंबकीय स्थिति ऊर्जा का अलग फॉर्मूला होगा, रासायनिक स्थिति ऊर्जा का अलग होगा, इस तरह से हर एक स्थिति ऊर्जा का उस बल क्षेत्र पर निर्भर करता है कि बल कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, उसकी स्थिति ऊर्जा होती है, ठीक है। और ये भी क्या होता है, अल्टीमेटली वही कार्य जो कर रहे हैं उसी में ये चीज़ कार्य के रूप में ही, ये स्थिर ऊर्जा भी कार्य का ही एक रूप है, ठीक है। क्या डेफिनेशन होती है इसकी, देखिए कि किसी संरक्षी बल क्षेत्र में
स्थित वस्तु के लिए उसकी स्थितिज अथवा अभिविन्यास के कारण निहित ऊर्जा को उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि वो किसी बल क्षेत्र कौन सा होना चाहिए, संरक्षी बल क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है। संरक्षी बल क्षेत्र का मतलब क्या है, जो जिस बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता वो कौन सा है, संरक्षी बल क्षेत्र। यानी कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पर ही निर्भर करता है, उस अंतिम से प्रारंभिक स्थिति पर जाने के लिए आपने पथ कौन सा इस्तेमाल किया है उस पर निर्भर नहीं करता अगर कार्य, तो बल क्षेत्र कौन सा है, संरक्षी बल क्षेत्र होता है, ठीक है। तो संरक्षी बल क्षेत्र में वस्तु जो है वो कहाँ स्थित है, उसमें उसकी स्थिति और अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे अपन क्या कहते हैं, उसकी स्थिति ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो वस्तु से स्थिति ऊर्जा बल क्षेत्र प्रदायक एवं वस्तु से बने निकाय की स्थिर ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में संचित स्थिर ऊर्जा उसे किसी बल के अंतर्गत एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापित होती है। अब इसका मतलब देखिए, हम जिस बल क्षेत्र में हैं उस बल क्षेत्र में एक स्थान से या एक किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम अगर उस वस्तु को लेके जा रहे हैं तो लेके जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य जो है उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अल्टीमेटली मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था वही चीज़ यहाँ आ रही है कि ऊर्जा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, कार्य। वो जो कार्य हम कर रहे हैं बल क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, वही क्या होती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे सपोज करिए कि घर्षण के द्वारा किया गया कार्य के विरुद्ध छे वगैरह, वो हम उसको नेग्लेक्ट मान लेते हैं तब, क्योंकि संरक्षी बल क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि वास्तविक रूप में किसी वस्तु को इसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक विस्थापित करने में आंतरिक संरक्षी बलों द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान उसकी स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। अब आंतरिक संरक्षी बल जो कार्य करेंगे उसका अगर मान ऋणात्मक है तो इसका मतलब है कि वो स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य है, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ें जैसे नीचे बल क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर स्थिर ऊर्जा अनेक प्रकार की होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। जैसे गुरुत्व स्थित ऊर्जा, प्रत्याशित स्थित ऊर्जा, विद्युत स्थित ऊर्जा, चुंबकीय स्थित ऊर्जा, रासायनिक स्थित ऊर्जा। कहने का मतलब है कौन से बल क्षेत्र में आप हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालनी है, स्थित ऊर्जा निकालनी है। बस करना क्या है कि दो बिंदु लेने हैं और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जो है आपको किसी जो क्या बोलते हैं कि जो अपना वस्तु है उसको लेके जाना है और उस वस्तु के लिए जो कार्य करोगे बल जो संरक्षी बल है उस क्षेत्र के अंदर, अगर आप वस्तु के पर कोई कार्य करोगे तो वो उसकी स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और स्थिर ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं, अपन यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कार्य निकालने का तरीका वही है, बल इंटू विस्थापन। नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। अब ये दोनों जो चीज़ें थी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ठीक है, स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन दोनों को मिला के अपन क्या देते हैं, कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होती है किसी वस्तु की वो होती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर, ठीक है। तो किसी पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, ठीक है। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या हो गया, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। और कुल यांत्रिक ऊर्जा को अपन किससे डिनोट करते हैं, ई फॉर एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू के फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो गया, ई बराबर के प्लस यू, ये हो गया इसका जो है फॉर्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वीडियो उसमें हम आगे देखेंगे कि ये जो यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है, ये हमेशा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। उसके बाद नेक्स्ट में हम ये भी देखेंगे कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर से छोड़ते हैं, फ्री फॉल करवाते हैं, उसका स्वतंत्र पूर्वक नीचे गिराते हैं, तो उसकी जो स्थिर ऊर्जा होती है वो क्या रहती है, संरक्षित रहती है। उसको अपन जो है वहाँ वेरीफाई करेंगे, उसको सिद्ध करेंगे, ठीक है, और फिर हम यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का जो नियम है वो उसमें देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम और जो आपके फ्री फॉल जो है यानी कि स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू वेरी मच।